सगी से ज्यादा प्यार करती हो। मंगू तुम खेलो। अच्छा। जरा हमसे बातें करो। चिंगु बेटे उठ मेरे लाल, सुबह हो गई। शाबाश, उठ जा। भूख लगी मेरे बेटे को? चिंगू की माँ, ओ चिंगू की माँ, जरा बाहर आई हो? ओ बेरी, सुनाई नहीं दिया क्या? बाहर आ। खाले बेटे। क्या है? क्यों रोल मचा रहे हो? मैं धीरे से बुलाऊं, तुझे रोल सुनाई दे? कान तो नहीं बजने लगे तेरे? इलाज कराऊं? बात कहो, क्यों बुलाओ थे? तुझे तो आवाज ही चुभे है मेरी, बात कहूंगा तो गोली से लगेगी। कभी मीठी बात करो। अरे अक्कल की अंधी, ये गंदगी उठाते उठाते ही मर जाएगी। कभी सेठ से चार पैसा बढ़ाने की बात करेगी? आज महीना बटने का दिन है। मुझे मालूम है, पगार हाथ में आते ही साफ हो जाएगी। तू जबान बहुत चलाए। सुन, सेठ से जाके कह देना कि महंगाई हो रही है, हमारा इसमें गुजरना हो। महंगाई हो रही है कि सारी कमाई शराब में चली जा रही है? तू जवान बहुत चला है, फिर बोल जा। जहां जरा भले की बात कही, फट से अपना रेडियो खोल दिया। करे थे सिंगू बेटे,
तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं माँ। माँ भी खेल ले जाओ। जाओ। माँ एक बात पूछूं? हाँ कहो। बाबा तुम्हें रोज पीटता क्यों है? इसलिए कि मैं हमेशा सच बात कहती हूँ। तो माँ तो झूठ क्यों नहीं बोला करते? नहीं बेटा, झूठ कभी नहीं बोलते। तू भी हमेशा सच बोलना। अरे माँ सच बोलना और बाहर खाना। झूठ बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। अरे माँ झूठ बोले तो भगवान नाराज होता है, सच बोले तो बाबा पिटता है। भगवान को राजी रखना है, वही हमें सब कुछ देता है। अच्छा मैं भगवान को ही राजी रखूंगा। सच बोलेगा ना? शाह मैं खेलने जाऊँ ना? जा। ए बच्चा का बच्चा, चोरी चोरी का बच्चा, चल इधर। खेलने। जब देखो जब खेलने। और क्या करूँ बाबा? माँ की तरह जबान चलानी सीख गया तू भी? किससे पूछ के जाए? माँ से। बात से नहीं पूछेगा? अब मैं खेलने जाऊँ? जा, भाग यार। इधर। इधर। इधर।
हमारे साथ खेलना है तो अच्छे कपड़े पहन कर आ। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। नहा के भी नहीं आया, वो तो दो था। साफ कपड़े पहन कर आएगा तो हमारे साथ खेलने देंगे क्या? हाथ हाथ। ला यही कपड़े उतार दे, इन्हें धोकर साफ कर देती हूँ। नहीं माँ, मुझे मम्मी से नए कपड़े चाहिए। नए कपड़े कहाँ से ले दूँ? अगर तेरा बाबा दो दिन शराब न पिए तो नए कपड़े बनवा दो। अच्छा, मैं बाबा से जाके कहता हूँ। टिंगू, टिंगू, क्या है तू? बाबा? क्या है? बाबा, शराब क्या होती है? क्या? तू क्यों पूछा है? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। तो मैं क्या करूं? तुम सारे पैसे शराबे पी जाते हो, इसलिए मेरे कपड़े नहीं बनते। तेरी माँ ने सिखाया होगा। हाँ, माँ कहती है कि तुम दो दिन के लिए शराब बंद करो, मेरा कपड़ा बन जाएगा। मंगी के बच्चों अच्छे कपड़े पहने देखा है किसी ने? जो माँ कहती है वो तोते की तरह से बोल देता है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। पहले सीताराम। बिना दवा अच्छी हो जाऊंगी। जब मुझे खांसी होती है तो दवा पिला देती है, खुद भी नहीं पीती। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। जब मैं भी बड़ा होऊंगा तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। शाबाश मेरे लाल, आजा तेरी आंखों में काजल लगा दे। माँ एक काजल सुना। अच्छा सुनाती हूँ। सुनो मेरे लाल, सुनाऊ एक कहानी। एक था राजा राम और एक थी सीता रानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज मंगू का जन्मदिन है, इसलिए मैं दफ्तर नहीं आऊंगा। बहुत अच्छा। रात की पार्टी का इंतजाम हो गया है ना? तो आपको मालूम है कि आज मंगू का जन्मदिन है। तीन दिन से घर में उद्धम मच रहा है। अरे ये तो बहाना होता है लोगों से मिलने का। आओ। कपड़े चाहिए ना? हाँ बापू। तो एक काम कर, आज सेठ के बेटे का जन्मदिन है ना, तुझे मालूम? हाँ बापू, बापू बहुत फटाके फूटेंगे। हाँ, तो रात को जब काम में लग जाए तो तू घर के अंदर घुस जाइयो। बापू चांदी क्या करूँ बापू? कुछ करना नहीं है, एक आज चांदी का बर्तन वहाँ से उठा लियो। अच्छा बापू, अगर मैं दो बर्तन उठा के लाऊ तो तुझे दो जोड़ी कपड़े दे दूंगा मैं, ठीक है ना? शर्म नहीं आती बच्चे को चोरी करना सिखा रहे हैं? अबे उल्लू की पट्टी, चोरी उसे कहे जो शरीफ आदमी के घर में की जावे। चोर के घर चोरी करने को चोरी नहीं कहते। मेरा बच्चा चोरी नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? मैं पूछूं फिर क्या करेगा? वही करेगा जो सारी दुनिया के बच्चे करे, पढ़ेगा लिखेगा। मंगी का लड़का पढ़ेगा लिखेगा और क्या करेगा? बोल। झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेगा। भीख मांगेगा और क्या करेगा?
तुम्हारी तरह शराब नहीं पिएगा, गंदी नालियों में नहीं फेंका रहेगा। मेरा बच्चा चाहे जन्म का नीच हो, कर्म का नीच नहीं बनेगा। तो इसी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर कुत्ते की मौत मरेगा जैसे तू मरने वाली। यमदूत बनकर आया था बाबा।
बैठ मेरा बुला ला। कहाँ है बाबा? शराब खाने। अभी क्या? बीमार थी ना बेटा, आज इसलिए तुम्हें बाबू को बुलाने गया था। अब कोई जरूरत नहीं है बेटा, तेरी माँ तो भगवान के पास चली गई। दिल माँ का रोए सुन
मरे माना मरे बचपन में किसी की माना मरे माना मरे बचपन में किसी की माना मरे तेरा बच्चा किसका है? ये भंगी का लड़का है। क्या कहा? ये भंगी का बच्चा है? तू यहाँ कैसे आया? तुझे किसने बुलाया था? माँ, मैंने बुलाया था। चल हट, निकल यहाँ से। इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लाया तू? मंगू ने दिए थे। ना ये। चल निकल यहाँ से। नीच लोगों से दोस्ती रखता है और अब उन्हें घर में भी बुलाने लगा है। माँ, माँ, खबर आ रही थी हरकत की तो। खाना खा लो बेटा। चाचा मुझे भूख नहीं। छोटे सरकार, मंगू बाबा, लो ये खाना खा लो। भूख नहीं चाचा, आप यहाँ पे रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। जरूर खा लेना बेटा। Thank you.
आदत होती है, बच्चों को क्या करना चाहिए वो पहले नहीं समझाते, गलती होती है मारते हैं, फिर कहते हैं ऐसा नहीं करना ऐसे करना। मेरी माँ तो मुझे रोज रात को समझाती थी। अब तेरी माँ नहीं है तो तू क्या करेगा? मैं तो भगवान के पास जाता हूँ, कहूँगा मेरी माँ को वापस दे दे मुझे। आज माँ ने पहली बार मुझे चपट लगा दिया। क्यों? वो सौतेली है ना, मेरी माँ नहीं है। तेरी माँ कहाँ गई? मेरी माँ भी भगवान के पास गई है। तो चल मेरे साथ, कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे। इन रात सोए रहती हूँ, बच्चा घर से चला गया और तुम लोगों को खबर तक नहीं। हुजूर बेहद भी माफ हो। पकड़ो मत, जाओ जाकर बच्चे को ढूंढ निकालो। मंगेश के दोस्तों के घर जाकर पूछो, पता चल जाएगा। जाओ, खड़े हो क्या करते हो? ये सब मेरा कसूर है, ना मेरा हाथ उठता। हाथ तो उसका उठना चाहिए जो प्यार भी करता हूं। दर्शन करने आए हो? नहीं, हम तो भगवान का पता पूछने आए हैं। नहीं बाबा, भगवान कहाँ रहता है? यही मंदिर में, तुम्हारे सामने, दिखाई नहीं देता? ये भगवान नहीं, वो भगवान जिसके पास हमारी माँ चली गई है। अच्छा समझा, वो भगवान तो बेटा हिमाचल पर्वत पर रहते हैं। चलो मंगू, हम लोग हिमाचल तो जाएंगे। अरे सुनो बेटे, भगवान का दर्शन तो करते जाओ, ये लोग फूल चढ़ाओ। हाँ बाबा, इसे नहीं देना। क्यों? आप इसे अंदर नहीं जाने देंगे, ये भंगी का लड़का है। शिव 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 शिव, पापी इतना नजदीक आ गया, अभी मुझे छू लेता तो स्नान करना पड़ता। बात तेरी परछाई भी अपवित्र है। पुजारी बाबा, छठी परछाई खूब स्नान करना। चल पतंग को कहता है काइट, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट? राइट राइट राइट। राम के मुर्गे की है एक टांग, बोलो बेटा टिंगू ये राइट है या रंग? रंग रंग रंग। बनाओ ऑमलेट।
चिल्ली तबला रही थी पी। बोलो बेटा टिंगू ये गलत है या ठीक? ठीक, अरे अरे गलत। शिकारी कुत्ते की तरह हर चीज को सुन सकता हूँ और अंधेरी रात में उल्लू की तरह हर चीज को देख सकता हूँ। मैं बॉस का ब्रेन पावर हूँ, यानी पहले मैं सोचता हूँ बाद में। शट अप, मैं तुमको 5,000 रुपया इनाम दूंगा। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे को जिंदा। आप क्या कहते हो? अच्छी इनका मतलब ये है कि बच्चों को पका के यहाँ ले आएंगे। सॉरी वेरी गुड तेज जी, आपकी मोटर गाड़ी और रोज का पॉकेट एक्सपेंस है सिर्फ 50 रुपए, वो भी कैश। अब मंजूर है, कल से काम शुरू कर दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिलाओ। कौन है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम है। राम? ए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण, जय हो राम लक्ष्मण की जय हो। ए बुड्ढू, आज क्या हुआ? क्या नमस्ते करता है लोगों? बहुत से देवता लोग हैं कलयुग का। अब ए, तुम सच्चा नाम बताओ तो हम तुमको मारेंगे। मेरा नाम है मंगू। मंगू? और मेरा नाम है टिंगू। टिंगू? मंगू टिंगू। वेरी गुड वेरी गुड। पकड़े गए। चलाओ घर को, चलाओ घर को, चलो। व्हाट नॉनसेंस, तुम नहीं जाएगा, तुम्हारे बाप को भी लेके जाएगा। चलो। ए देखो बच्चा लोग, हम 10 तक गिनती गिनता है, तुमको चलने का और चलो, नहीं तो हम तुमको जबरदस्ती बांध के ले जाएगा। शट अप बुद्धू, बांध के लेके जाएगा। खेल करता है। ओह खेल करता है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या खेल? हाँ गिनती गिनता है। देखो 1 2 3 4। आंख बंद करो। अच्छा, आंखें बंद करो। है यू नॉटी बच्चा। अच्छा बस कम लो। हां बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बस गिर गया। लक्ष्मण तो गायब हो गया। ये खाली हनुमान का पूछ है, इसको ले चलो। हनुमान का पूछ का बचा? कितना मुश्किल से बच्चा लोग मिला। इधर आओ, ढूंढो इधर। ये बच्चा लोग, ¶¶
पापा सलाम। सलाम। जी तेरा बेटा, सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हो बेटा? भगवान के पास। नहीं बाबा, भगवान कहाँ रहता है? तौबा तौबा, भगवान का पता हमसे पूछते हो? बेटा, हमसे तो खुदा का पता पूछो। नहीं बाबा, खुदा कहाँ रहता है? खुदा तो हर जगह रहता है, मक्के में, दीने में, मस्जिद में, इस तस्वीर के हर दानी में। नहीं नहीं, वो भगवान जिसके पास हमारी माँ चली गई है। ठीक है, समझा, इस पता किसी पंडित से पूछो। नमस्ते पंडित जी महाराज। नमस्ते। उठी रहो बेटा, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? पंडित जी क्या कर रहता है? शिव 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 शिव, खुदा का पता हमसे पूछते हो बेटा? हमसे तो भगवान का पता पूछो। तो भगवान कहाँ रहता है? भगवान हर जगह है बेटा, आकाश में, पाताल में, मन में, मंदिर में, तुझ में, मुझ में। हम तो उस भगवान का पता पूछते हैं जहाँ इस बिचारे की माँ चली गई। वो भगवान तो हिमाचल पर्वत के ऊपर बड़ा मंदिर है, वहाँ रहता है। ओ, हिमाचल पर्वत के ऊपर? बड़ा लंबा रास्ता है, पूछते पूछते चले जाओ। नमस्ते। नमस्ते। गिरो बेटा। God bless you, my son. आपको पता है भगवान कहाँ रहता है? भगवान? Sorry sir, God. Oh, I see. God, वो तो सब जगह है। वो God नहीं, भगवान, जिसके पास हमारी माँ चली गई है। समझा। ऐसा करो बेटा, किसी ब्राह्मण या पंडित से पूछो। God be with you, my children. मैंने पकड़ा है, बताया तो मैंने।
बचुमड़ो मरोगे क्या? माँ बाप से झगड़ क्या रहे हो जो बीच रास्ते में चल रहे हो? हैं? बोल बोल। तुम क्यों रास्ते के बीच में लॉरी चलाते हो? रास्ता तुम्हारा है, मरा नहीं। अरे बाबा, तेरा रास्ता है मेरे बाप, तेरा रास्ता है, मगर मैं लॉरी क्या तेरे सर पे चलाऊं? ये बताओ कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो, बोलो। हिमाचल पर्वत के ऊपर। हिमाचल पर्वत? अरे इतनी दूर? बाप रे बाप। है कोई बात नहीं, 30-35 मील तो मैं अपनी लॉरी में जा रहा हूँ, वहां तक तो तुम दोनों को साथ ले जाऊंगा। हाँ चलो आ जाओ बेटे, चलो मेरे साथ चलो। आ जा बेटा, ये इधर बैठ जा। हाँ, मेरा नाम है रहीम चाचा। मेरा नाम है टिंकू। टिंकू? आओ बेटा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आराम से, गिरना नहीं। मेरा नाम है मंगू। मंगू और टिंकू, बहुत प्यारा नाम है दोनों का। अच्छा चलो आराम से बैठ जाओ, आराम से। हाँ गिरना नहीं, मैं चलता हूँ। मेरे प्यारो जमी के तारो, ओ मेरे प्यारो जमी के तारो, जाना तुम्हें है कहाँ? ओ मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहाँ। मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहां। प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहां। मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहां। ओ गाड़ी वाले ले चल उड़ा के मैया हमारी जहां, ले चल तू हमको वहां। ओ मेरे प्यारो जमी के तारो, ले जाऊंगा मैं वहां। Oh,
नहीं जाके क्यों खड़ा कर दिया? अरे चौधरी साहब, ये टिन का डब्बा नहीं, मोटर है मोटर कार। अब मैंने कहा प्रधान जी, आपने इधर से दो बच्चे जाते हुए देखे? दो बच्चे? हाँ, एक छोटा एक बड़ा। हाँ, लाल लाल काले भूरे भूरे बाल है। उधर गए हैं? उधर। इधर? हाँ। इस तरफ गए? हाँ। मुसीबत है ये, एक घंटे से पो पो मौलाना। आप दो बच्चे? अजी बड़े मियाँ, अभी तो मैंने देखा खड़े हुए थे, बातें कर रहे हो। आप लोग कौन से को ढूंढ रहे हैं? आप वो लोग घर से भाग गए हैं, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। बुद्धू तुम क्या करते हैं? बहुत बच्चों को देखता हूँ, इसमें भी नहीं है। ए बंदर, क्यों सामान फेंकता है, क्यों सत्यानाश करता है? चल क्या डर, इसको उतारते हैं। चलो चलो आ जा, गुस्सा आ रहा है, आ जाने से इसको मना करो। बुद्धू, अरे देख लो सामान फेंकेगा। मैं बच्चों को देखता हूँ, अभी अभी से पता नहीं क्या गायब हो गए। बदतमीज, तुम जाती बात मत करो, वो हमारा सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी का बच्चा? मैं तेरी भी खोपड़ी तोड़ दूंगा। हम क्या बोला, हमारा सेक्रेटरी का मगज बहुत खराब है। भागे हो हैं? मैं अभी तुम लोगों को लेकर जाएगा, पहले मैं तुम्हें कुछ थोड़ा खिला पिला लूं। अच्छा, उससे पहले तुम दोनों काम करो, ये लो। चलो चलो रे दोनों चूहे लोग, संभालो। हाँ, ये लो ये बड़ा चूहा। हाँ बच्चे लोग, आओ जल्दी एकदम, जल्दी 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 जल्दी, इतनी देर। ये बात है, हाँ ये बात है। चलो आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम जग्गू सेठ। अरे ओ जग्गू सेठ। सलाम रहीम चाचा, सब खैरियत? तीन लस्सी। मीठी ना बेटा? हाँ मीठी, हाँ बहुत मीठी। हाँ हाँ भाई, बिस्किट भी बहुत अच्छे और बहुत मीठे बिस्किट है? अरे बदरू, तीन लस्सी ला मीठी,
अरे सेठ क्या बताएं बस। गधे के बच्चे ये नुकसान कौन भरेगा, तेरा बाप? नहीं नहीं जग्गू सेठ, बच्चा है जाने दीजिए। कहता है बाप बीमार है, माँ पीटती है, मेहरबानी करके नौकरी दिया और नुकसान किया, भाग यहाँ से। रहीम चाचा मैं अभी दूसरी लस्सी बनाए देता हूँ। मंगू छोटू का कसूर होता तो लोग पाते क्या है? बड़ों की आदत होती है। अरे 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 क्या वो जग्गू सेठ है? मंगू ये नुकसान कौन बनेगा? इसका बाप। अरे खैर जाने दो, तुम्हारी लस्सी हमारी तकदीर में नहीं है भाई। 3 कप फर्स्ट क्लास चाय बन के लाओ। बेटे क्या करना है? मुखिया मारता हूँ, करके नहीं देता। मैं जाऊंगा तो मार पीटेगी। छूटा गई का मैं कभी मर गया तो बाप या मैं तुझे पीटूं? तुझे पूछने को आया था कैसे दी या नहीं। तू देगा? हाँ मैं दूंगा। तेरे बाप की मेरी माँ बीमार है, आप कैसे सच बोला? चल मैं भी आता हूँ। ए टिंगू कहाँ गया था तू? मैं काम कर रहा था। इधर है। हाँ बंदा हाजिर है। वो नौकरी करेगा? हाँ करूँगा, एक नहीं दो नौकरी लगा। ए मंगू इधर इधर क्या है? ये भी एक नौकर है। भगवान भगवान सोते भी हैं? हाँ दोपहर को 2 घंटा आराम करते हैं। गुजरे बाबा कहाँ है? देखो वो सामने कोठरी है, वहाँ गलत खेल रही हूँ। टिंगू जा देख के आप गुजरे बाबा है कि नहीं। बच्चों आओ आओ मेरे पास आओ,
मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बहुत अच्छा नाचते गाते हो। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? हम लोग भगवान को ढूंढते ढूंढते आए। अच्छा, भगवान को ढूंढते हैं? पुजारी बाबा, तुम्हारे भगवान तो सो रहा है। सो रहा है? बेटा, भगवान का दर्शन करना चाहते हो? पुजारी बाबा, इसकी माँ तो भगवान के पास गई है। भगवान के पास? पुजारी बाबा, तुम्हारे भगवान के पास आई है? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई, बड़े भगवान के पास गई होंगी, हिमाचल पर्वत के ऊपर। हाँ, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, पहुँचोगे कैसे? अरे हाथ पैर सलामत तो रास्ता सीधा। वाह मेरे मटकी के शेर, वाह। नमस्ते पुजारी। नमस्ते नमस्ते। चित्र चलो टिंगू। ए टिंगू, कहाँ चला, प्रणाम करो। अरे अरे, ये तो बड़े भगत कुटुंब का लड़का मालूम होता है। है भी बड़े भगत कुटुंब। कौन है ये? अच्छा है, भंगी का लड़का। अच्छा, भंगी का लड़का, चंडाल, पापी। छू लिया मुझे, अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। ठंडे पानी से स्नान करना। हाँ, ठंडे पानी का बच्चा निकल जाए यहाँ से। निकलो यहाँ से, दूर हो जाओ। अरे निकल जाओ, आप कहते भाग जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। ये भंगी और छूत कहाँ घुसा है कमरे में? तुम भी जाओ, जाओ 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 जाओ, स्नान करना। हाँ स्नान कीजिए। अरे रे 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 रे, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो भगवान? ओ भगवान, कहाँ गई भगवान? अरे सुनती हो भगवान? अरे क्या है? अरे मेरे लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करो। हाय हाय, रोज ठंडे पानी से नहाते हो, गर्म पानी चाहिए। अरे क्यों दिन लगे, जल्दी से नहा के स्टेशन जाओ। अरे स्टेशन स्टेशन क्या करती हो? अरे मुझे तो उस भंगी के बच्चे ने छू लिया है। भंगी के बच्चे ने? हाँ, अरे वो तो वो चूड़े के बच्चा होंगे, वो तो कब के चले गए। मेरे लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करो ना। अरे बहुत अच्छा, तुम आ गए क्या? दो बजे पानी का, उन्होंने मुझे छू लिया। गर्म पानी का बंदोबस्त करो ना जरा। अरे भैया, जो बहुत ठंडा है। अरे गर्म पानी, गर्म पानी दे रही हूँ। गर्म पानी हो भाई। थक गया हूँ, दो कदम नहीं चलता और थक जाता है, और दो कदम चलेगा तो भूख लगेगी। चलो मुझे थोड़ा आराम तो करने दे। चल चल उठ। अरे चल चल चल, नहीं आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। मंगू मेरे ऊपर मेहरबानी कर, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मंगू। मंगू मैं तेरा छोटा भाई हूँ, मंगू मुझे क्यों आराम करता? उठता है कि नहीं? अच्छा उठता हूँ, नहीं तो मैं घसीट से लेकर जाऊंगा। चलो उठ। लाइए मुझे दीजिए। हेलो, हाँ हाँ मैं हूँ लाला मोतीलाल। क्या कहा, अभी तक बच्चे का पता नहीं चला? ओह मैं कहता हूँ आप लोग क्या मक्खियां मारते रहते हैं। देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पता नहीं चला तो मैं आईजी से बात करूंगा। ठीक है ठीक है। Thank you.
कुत्ते वापस आ गए, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते, क्या करें? खैर जो सोचता हूँ। स्थान में कोई आदमी सोया हुआ है। अरे बुद्धू, हम आदमी को नहीं बच्चों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आदमी से बच्चों का पता तो पूछ सकते हैं। ए बुद्धू, हाँ यू आर राइट, लेट्स गो। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे ओ भाई सोने वाले, अरे सुनते हो क्या? क्या सवाला आ गया है? लोग जंगल में भी आराम से नहीं सोने देते। अरे भाई, आराम तो हराम है, लेकिन तुमने एक छोटे छोटे दो बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? गोले गोले गाल, काले काले बाल, नीली नीली आंखें, एक चूहा, एक बंदर। अभी अभी उस तरफ जा रहे थे। है? चल बुद्धू चल, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। पानी के अंदर माइनस भी है बॉस, लेकिन रास्ता बंद मालूम होता है। हाँ ये बुद्धू, हाँ इधर से रास्ता पानी का ठीक है। ए भाई साहब, अरे उधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, पानी पानी है। ये तो बता रहा था, वो दो बच्चे उधर जा रहे हैं। अरे उल्लू, तू क्या बताएगा, हमें सब मालूम है। अरे हाँ मालूम है। जा जा आराम से सो जा, दो तीन कंबल और ओढ़ के सो जा, आया हमको बताने वाला। अच्छा भाई, नहीं मानोगे तो पछताओगे। राम राम। सीताराम। राधे श्याम। बुड्ढे आदमी सो जाओ और कंबल ओढ़ना नहीं भूलना, नहीं तो कर जाओगे। ये बच्चे तो किसी जादूगर की औलाद मालूम होते हैं। फिर घर बुद्धू, मैंने तुझसे कहा था ना कि वो काली कंबल वाले आदमी से नहीं पूछ। अपने लगे ये माना नहीं, माना नहीं। बुद्धू कहीं का चल। चलो फिर काली कंबल वाले, जल्दी से नहीं तो अपना रात खुल जाएगा। दो बच्चे लोग जाता दिखाए। क्या हुआ? औरत से क्या बात करता है, हमसे बात करो। कौन तुम्हारे? माफ करना। अरे हम तो दो बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। बच्चे अच्छे घर पे हैं। हे बॉस, हाथ मिलाओ, बच्चे मिल गए। हाँ वेरी गुड, आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। भाई तुम्हारा घर, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? वो रहा सामने। हाँ बॉस, ये तो पैलेस में रहते हैं। पैलेस में नहीं, नीचे झोपड़ी में। लेकिन तुम्हें बच्चे क्यों चाहिए? हम अपने साथ ले जाएंगे। हाय राम, ये मेरे बच्चे क्यों ले जाते हैं? बच्चे कैसे ले जाएंगे, देखो तो सही। भाई साहब, हम आपके बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे, अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। एक एक दो है, दो एक कितना है और एक कितना है? गोरा गोरा है। आपने देखा है? ए, वो चले जा रहे हैं। उधर जा रहे हैं बच्चे। बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मैनेजर साहब, जितने भी अखबार हैं उन सब में खबर दे दो
जो भी कोई मेरे बच्चे की खबर लाएगा उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा। 5 क्या, 10-15 जितना भी कोई मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे मंगू का पता चलना चाहिए। बहुत मंगू, सोते वक्त माँ मुझे एक रोज कहानी सुनाती थी, तुझे कोई कहानी याद है? हाँ याद है, तो सुन कहानी का नाम क्या है? अलादीन और जादुई चिराग। अलादीन नाम का एक लड़का था, वो एक भयानक जंगल में घुस गया और उधर एक गुफे के अंदर घुस गया, और जानता है क्या हुआ?
Thank you.
काका, तुमने तो दो बच्चे जाते हुए देखे? दो नहीं, 12 है, 12। लो बस, दो की पूछी, 12 की खबर दे रहा है। अबे वो तू पूछा सुनता। अब देख भाई, बकरी के नहीं, आदमी के बच्चे दो। आदमी के? हाँ हाँ, ये छोटे छोटे थे, लाल लाल, गोरे गोरे, लाल लाल, इतने इतने बाल हैं, आगे को पड़े हुए। देखा आपने? इधर इधर गए, इधर 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 गए। बहुत शुक्रिया, नमस्ते कर जल्दी से। साहब जी, सोचता है अब क्या चुप हो गए? भागो भागो, छोटा बच्चा, लोग इधर हमारे पास आओ। आओ, तुम उसको सताते क्यों हो? अरे हम तो तुम्हारे साथ आग में चोट खेलते। फिर वही बात, बिल्कुल फिर वही बात, तुम्हें नहीं खेलने का। बस बच्चे हैं, खेलता हूँ, एक चांस हो, एक चांस हो। ओके, एक चांस हो। बस चुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अबे कल झुक के राम लक्ष्मण फिर गायब हो गए, कहाँ गए? ओहो, ए बस, पीछे देखो, पीछे 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 किधर है? अपने पीछे नहीं, गधों के पीछे। बुद्धू, यू आर ग्रेट, कम ऑन। आओ 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 ना, तुमको चॉकलेट देंगे। आओ, पेपर मिठाई, पेपर मिठाई। आओ, हम नहीं आते, हम नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। तुम अगर हमारे, तुमको बांध के लेके जाएंगे। क्यों बोलो? ठीक है ठीक है। तुम पहले गधे के पाँव को हाथ से लगा के देखो। ये बात है, बस मेरी सलाह है, गधे के पाँव को हाथ लगाना अच्छा नहीं है। अरे तू गधा है, चल बच्चे भाग जाएंगे। माना मरे
बचपन में किसी की माँ ना मरे। गाड़ी में तो मैं हजारों गैलन पेट्रोल डाल दूं।
मगर उस्ताद तू जो अपना ग्रामोफोन स्टार्ट कर देता है, चोरी मत करो, भीख मत मांगो, डाका मत डालो। क्या यही कदे से सबका कुछ पता है? और क्या? अरे ये क्या कर रहा है बकरी की तरह? तेरा नाक है क्या चिमनी, देखता नहीं? पसंद आया? बहुत अच्छा, तो फिर चलो यार। सरदार, इस वक्त जान को जोखिम में डालकर सरकारी तिजोरी लूटी है। इस वक्त बड़ा दिल रख के सब आटना। अगर पकड़े गए तो सरकार मुझे फांसी पर लटका देती। चिंगू, जल्दी भाग यहाँ से। क्यों? ये तो चोरों का अड्डा है। तुमने गांधी बापू की तस्वीर देखी है? हाँ। और नेहरू चाचा का फोटो? हाँ। यही तो हमारी सरकार है। चलो चलो, सरकार को खबर दे। ये आवाज कहाँ से आई? शायद बिल्लियाँ देखता हूँ मैं। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है इधर? चलो। सरदार, ये तो बिल्ली के बच्चे अंदर घुस गए। तुम लोग कौन हो बच्चों? मुसाफिर। हम कुमार हैं, तुम कौन हो? तुम लोग सब लोग चोर हो। बच्चों, तुम लोग हमसे डरते नहीं? नहीं, हम क्यों डरे? चोरी तुमने की है, हमने नहीं। सरदार, इस बिल्ली के बच्चे का मुंह बंद करना चाहिए। तुम्हें मालूम है सरदार, औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हमको भूख लगी थी, सोचा था यहाँ पे कुछ खाना मिल जाएगा। अच्छा, जाओ जल्दी से बच्चों के लिए खाना लाओ। आओ बच्चों, बैठो। आओ। ये खाना तुम कहाँ से लाया? बाजार से। और पैसा कहाँ से लाया? सरदार, ये बिल्ली का बच्चा हमारा बाप लगता है क्या? हमाश! खाओ बच्चों, तुम लोग खाना खाओ। खाओ। तू दे खाने पर। क्या हुआ? चोरी के पैसे का खाना हम नहीं खाते। खा लो बच्चों, आज तुम मेरे मेहमान हो। छोड़ दे मेरा हाथ। मैं बिल्ली का बच्चा हूँ, लेकिन तू चोर है। मेरी बेटा, तुम देव पुत्र हो। अगर मैं सरकारी खजाना वापस कर दूं तो तुम फिर क्या चोरी करो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। तो खाओगे कहाँ से? मेहनत मजदूरी करके पेट भरूंगा बेटा। चलो टिंगू, जाओ जाओ, जिस जमीन पर तुम्हारे जैसे तारे चमकते हो, वो जमीन हमेशा चमकती है।
दीप गगन के तुम हो, दीप गगन के तुम हो, हे आसमां के तारे, रोशन जहां है हमसे, हम हैं जमीन के तारे, दीप गगन के तुम हो। Thank you.
यार अपने पास गरम कपड़े पड़े उठा के ले आ। लो ये। शुक्रिया। लो ये। शुक्रिया। कल्याण हो बेटा, इतने ठंडे मौसम में तुम लोग यहाँ कैसे आए? पापा, ये अपन के बड़े भगवान का मंदिर है ना? है तो, मगर ये यात्रा का समय नहीं है, आजकल यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोग कैसे आ गए? बाबा, आज हमारे भगवान के पास आई है, हम उसे लेने आए हैं। अच्छा, समझा, क्या तुम दोनों भाई हो? नहीं बाबा, ये मेरा दोस्त है, इसकी माँ तुम्हारे भगवान के पास आई है। पापा, एक दिन मेरे बापू ने मेरी माँ को इतना मारा कि उसके मुंह से ढेर खून निकल गया। मेरे बापू को शराब खाने लेने ले गया, इतने में मेरी माँ तुम्हारे भगवान के पास चली आई। समझा बेटा, माँ को वापस लेने आए हो? हाँ बाबा, माँ के बिना मैं घर में कैसे रहूं? पापा तो जब देखो पीटता है। बेटा, तुम भगवान से माँ को मांगोगे वो जरूर दे देंगे। भगवान बच्चों की किसी बात को ना नहीं करते, लेकिन तुम अपनी माँ को वापस ले जाओगे, तुम्हारा बाप फिर मारेगा, फिर खून निकलेगा, बीमार हो जाएगी। ठीक कहते हो, माँ कहती थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं उसका ख्याल रखूंगा। शाबाश, तुम बड़े समझदार हो, बड़े हो जाओ फिर आकर अपनी माँ को ले जाना। पापा, माँ अच्छी तो है ना? हाँ बेटा, अच्छी है। आज के दिन हमारे साथ रहो, कल चले जाना बेटा। आओ। बंदर लोग तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं चाचा, टिंगू को बहुत बुखार है। अरे बाप रे बाप, इसको तो बहुत बुखार है। चलो मैं तुम लोगों को अपने घर ले चलता हूँ। आ जाओ। डॉक्टर साहब, 15 दिन हो गए हैं। डबल नमोनिया और टाइफाइड में वक्त लगता है। बच्चा कमजोर भी है, इसलिए बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रखता। गंगा, टिंगू को अपने पास मत बुला, मैं तलब तलब के मर जाऊंगा। टिंगू, तू मुझे अकेला छोड़कर मत जा। मैंने वायदा किया था कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और तू मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है। टिंगू, बेटा टिंगू जल्दी अच्छा हो जाएगा। नहीं माँ, टिंगू मुझसे रूठ गया है। मैंने उसे भूखा प्यासा बहुत जलाया, इसलिए तो वो बीमार हो गया है।
सब मेरा ही कसूर है माँ, सब मेरा ही कसूर है। डॉक्टर कितने ही पैसे खर्च हो, इसमें पैसे का सवाल नहीं। डॉक्टर साहब टिंगू को बचा लो, डॉक्टर साहब खुदा के वास्ते उसे बचा लो। डॉक्टर साहब चाहिए तो मेरा खून ले लो, मगर मेरे बच्चे की जिंदगी बचा। प्लीज प्रे टू गॉड, भगवान की प्रार्थना करो, खुदा से दुआ मांगो। Passionate deliverance, saving healing, and relief to this child who lies afflicted on a bed of sickness. Oh, entreating the Lord his God to grant him grace, tender compassion, and perfect healing. Have pity on him. Assuage his pain. Remove all disease from him. And lengthen the years of his life. Amen. Ma? ठीक हो जाएगा तो मैं तुझे घर ले चलूंगा। नहीं चाचा, टिंगू हमारे साथ ही रहेगा। माँ, हाँ टिंगू को हम अपने साथ रखेंगे। नहीं बेटा टिंगू, तुम मेरे साथ ही चलना। मैं सब खाता हूँ, मैं कभी तुझे हाथ नहीं उठाऊंगा। पापा, तुम शराब पियोगे? कसम भूल जाओगे? नहीं बेटा, मैंने शराब पीने से पिया। चाचा, हम दोनों भाई की तरह साथ रहेंगे। मंगू, तुम मेरे घर।